राम राम भाइयों सबको। आने वाले समय में हरियाणा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर में, और वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। सीधा सा एक सवाल है कि जो 90 विधायक हैं पूरे हरियाणा में, क्या उनमें से कोई भी एक विधायक आज जनता की नजरों में खड़ा उतर पाया है? कांग्रेस बीजेपी जो भी है, चंद्रदली, सीधा सा सवाल, क्या ये अपने दम पे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? दूसरा सवाल ये है कि हरियाणा में क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता हैं? क्या कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं? मैं थोड़ा सा पीछे इसलिए लेके जाऊंगा क्योंकि जो आजकल पत्रकार, जो मैं बोलता हूं उनको पेड पत्रकार, वो पेड पत्रकार जमीन से बात करते हैं पर कहीं ना कहीं वो शब्दों में ये बता देते हैं कि कौन सी पार्टी उनका लालन पोषण कर रही है। आज बीजेपी सरकार है हरियाणा में और सब आदमी छुटकारा पाना चाहते हैं, हरियाणा की जनता, पर छुटकारा दिलाएगा कौन? ऑप्शन में है कौन? कांग्रेस? क्या कांग्रेस छुटकारा दिला सकती है? इनेलो का भी गठबंधन होया है बसपा से, क्या ये दिला देगी? कुछ पुरानी चीजों पे लेके जाऊंगा। 2005 का चुनाव हरियाणा में भजनलाल के नेतृत्व में लड़ा गया और भजनलाल ने 67 सीटें निकाली हरियाणा में 2005 में, और सेकंड पार्टी रही इनेलो। अब भजनलाल को जो कांग्रेस हाईकमान था वो पसंद नहीं करते थे, तो भजनलाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आगे बढ़ा दिया और मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद में उन्होंने रोहतक लोकसभा सीट खाली करी थी, उसके ऊपर भी बहुत सारी विवाद हुई, वो सीट कहां जानी थी, जबकि कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस समय वचन दिया था, कहते हैं कि लोटा में नमक डाला था कि ये सीट वहां जाएंगे, पर उन्होंने अपने सपुत्र को वहां से उतार दिया जो कि 80 मतलब एक अच्छी तरह से अपने नौकरी कर रहा था। 67 सीट देने के बाद में 2009 का चुनाव हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा और 40 सीटें कांग्रेस लेके आई, फुल बहुमत नहीं आया, तो हरियाणा जनहित कांग्रेस के 5 विधायक को तोड़कर सरकार बना ली। 2005 में 67 सीट, 67 से घटती हुई 40 पे आ गई। इसमें भी इनेलो पार्टी सेकंड नंबर पे रही, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं था उस समय तक। 2014 में खर्ची पर्ची पता नहीं क्या क्या चीजें हुई है सबको मालूम है, बीजेपी 47 सीट पे जीतकर उनने सरकार बनाई, कांग्रेस की सबसे कम सीटें 15 रह गई। 2005 में 67 सीट से 2014 में कांग्रेस सिर्फ 15 सीट पे रह गई, और इसमें भी सेकंड पार्टी रही इनेलो।
2019 में कांग्रेस 31 सीटों पर रही। अगर उसमें से कांग्रेस के दूसरे जो नेता थे उनकी भी निकाल लें सीटें और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी निकाल लें तो उन 31 सीटों में से भी जैसे सढ़ोरा वाली सीट है वो भाई शैलजा खेमे की है, बहुत सारी सीट इसमें भी इनोलो पार्टी ने सेकंड नंबर की पार्टी निकली 19 सीट लेके। उसके बाद में गोहाना वाला घटनाक्रम होता ही है कि वो लंबी जुत्ती पहनने वालों ने वहां किलकी मार दी। किलकी मारने के बाद में पार्टी के दो भाग हो गए और मेंतकसाई सब में होती है कि कुर्सी की चाहत सबको होती है। एक कहावत वैसे भी आप लोगों ने पता कि जो आम में बोलते हैं कि चौटाला साहब को एक बार फुल बहुमत आ गया, दोनों लड़कों को बुला लिया भाई कौन सा मुख्यमंत्री बनेगा कौन सा बनेगा, दोनों के आपस में ये हो गया, बोला भाई इनको फार्म हाउस पर रखो मैं शपथ लेके आऊं। तो ऐसा ही हुआ। अगर उस समय इनोलो पार्टी गोहाना रैली में किलकी नहीं मारती तो आज के समय बीजेपी और कांग्रेस हरियाणा में नहीं होनी थी। अब आता है सवाल ये, क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी को धूल चटा देगी अक्टूबर में? जो लोकसभा चुनाव बहुत अलग मुद्दों पे लड़ा जाता है, बहुत अलग चीजें होती हैं, पर पत्रकार मुद्दे जो कह रहे हैं, जो पेड पत्रकार हैं कि बीजेपी की 40 विधानसभाओं में जीत है, इसकी 46 विधानसभाओं जीत पे फलाना धक्कड़ यही है भाई, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि सबसे पहली बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस के विधायक हैं क्या कोई भी अपने दम पे आज के समय अपनी सीट को निकाल सकता है? सीधा सा सवाल। और खासकर रोहतक झज्जर से अगर हुड्डा साहब उनके लिए वोट नहीं मांगे तो क्या वो अपनी सीट निकाल सकते हैं? सीधा सा सवाल। क्या कोई विधायक चौथी बार का है, कोई पांचवी बार का है, कोई छठी बार का है, क्या उन विधायकों ने इतना भी काम नहीं कराया कि 20-30 हजार वोट उनसे जुड़ जाती? 20-30 हजार जो वोट रोहतक लोकसभा में जुड़ जाती, क्या इतना भी काम नहीं किया? यह सच्चाई की बात है कि उन्होंने काम नहीं किया। आज चाहे आप देखोगे 10 साल में कांग्रेस का कोई संगठन नहीं। आप आज अगर हरियाणा में कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से कौन जुड़ा हुआ है, कौन सा कार्यकर्ता है, 3.25 करोड़ की जनसंख्या है हरियाणा की, एक भी कार्यकर्ता कांग्रेस से नहीं जुड़ा हुआ। कांग्रेस के जो स्थानीय नेता है वो उनसे जुड़े हुए, पर बीजेपी में इस तरह का नहीं है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए। अगर मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूं, यहां पर चंडीगढ़ में किसी भी बीजेपी नेता की कोठी पे नौकरी मांगने वालों की भीड़ नहीं है भाई, बिल्कुल भी भीड़ नहीं। वो इस तरह की कोई आश्वासन देते ही नहीं। दूसरी बात, आज बीजेपी के पास में कोई भी, कोई आम आदमी पार्टी का है, इनोलो पार्टी का है, कांग्रेस का है, जो उनको छोड़ के बीजेपी में शामिल होना चाह रहे हैं और वो उनसे विधानसभा की टिकट का आश्वासन चाह रहे हैं, लिखित में चाह रहे हैं, कुछ भी चाह रहे, बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है यहां पर कि जो हमारे नियम और कानून है उन्हीं के अनुसार आपको टिकट मिली, आप ज्वाइन करो या मत करो। उसके बाद में वो व्यक्ति क्या करते हैं, दिल्ली पूछ जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास में, वो वहां से कांग्रेस के हाथ उनके गले में डाल देते। मतलब पहले चक्कर कहां काट रहे हुए, बीजेपी के ऑफिस में। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक तरह से उनकी विचारधारा पे, पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर
सिर्फ नेताओं ने, जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा से लोगों को नहीं जुड़ने दिया। ये बहुत बड़ी खामियाजा है। अगर आप कहो कि 5 लोकसभा सीट जीत गए, तो अगर यही बात मैं कह रहा हूं कि आक्रोश इतना था लोगों के अंदर, चाहे किसान है, चाहे जवान है, चाहे अग्निपथ स्कीम है, चाहे बेरोजगारी है जो हरियाणा की है, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला हरियाणा राज्य आता है बेरोजगारी में पूरे भारतवर्ष में, उसके बाद में भी 5 सीट जीत गए, तो यह नूरा कुश्ती थी। मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के प्रभारी बाबरिया भी कह रहे हैं। मैंने तो कम से कम लोकसभा चुनाव से पहले ही मैंने कमेंट कर दिया था फेसबुक पे, वैसे मैं करता नहीं, कि ये नूरा कुश्ती है, कि यहां से इस विधानसभा से आप मेरे को जिताओ, यहां से मैं जीताऊंगा। कई सीटें जो कांग्रेस ने एक तरह से दी हैं, तो आने वाला क्या समय है कांग्रेस का? कांग्रेस ने 5-5 व्यक्तियों को थपकी मार रखी, और यह सबसे बड़ी मुसीबत बढ़ेंगे कांग्रेस के लिए आने वाले समय में। और जो व्यक्तियों को थपकी मार रखी वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो पिछले 10 या 15 साल से अपनी विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं, चप्पल तोड़ा रहे हैं, चप्पल घिसा रहे हैं, रोडों पे घूम रहे हैं। ये कांग्रेस के जो दूसरे, तीसरे, चौथी श्रेणी के वो लाइन के जो नेता हैं, तो लोग उनका चेहरा जानते हैं। अगर वो निर्दलीय भी उठते हैं तो सबसे बड़ा झटका लगता है, और भगदड़ मचनी है कांग्रेस में, बहुत बड़े लेवल पे भगदड़ मचनी है जिस दिन सीटों का बंटवारा। 5-5 साल से लेके 20-20 साल से वहां लगे, यहां तक जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं वो भी, जिन्होंने मेहनत की है कांग्रेस को ऊपर उठाने में, तो कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस के हरियाणा में। हरियाणा कांग्रेस के नाम पे नेताओं की गाड़ी के पीछे लटकने वाले हैं, मेरा नेता रोहतक वाला, मेरा नेता सिरसा वाली, मेरा नेता ये, मेरा नेता वो, तो विचारधारा की बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि यहां पर अगर आज भी कांग्रेस संगठन घोषित करती है, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष घोषित करती है, सबसे बड़ा हंगामा होना है कांग्रेस में बहुत बड़े लेवल पे। तो मेरे, आप लोगों का जो, मेरा जो भाई मैंने ऊपर डाला है लिख के, कि निर्दलियों की बहुत बड़ी भूमिका आज के दिन, हां यह वास्तव में, क्योंकि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लोग दोनों के नेताओं से उब चुके, उदास है, उदासीपन है, दोनों नेताओं में से को से नहीं चाहते लोग, ना कांग्रेस के नेताओं को चाहते हैं, ना बीजेपी के नेताओं को चाहते हैं। लोग चाहते हैं बदलाव, नए चेहरे आए, जो चेहरे 80-80 साल की जिनकी उम्र हो गई, जो दो आदमियों के सारे जाके बाथरूम कर रहे हैं, जो प्राकृतिक ऑक्सीजन से नहीं, सिलेंडरों की ऑक्सीजन से चल रहे हैं, वो आज भी विधानसभा चुनाव लड़ने की लिए कमर कस ली। उनके पिछले, अगर हम देखें, पिछले 10 साल से कांग्रेस नहीं थी, वो 10 साल में अपनी विधानसभाओं में नहीं रहे, कोई रोहतक अपने लोट मार रहा है, तो कोई चंडीगढ़ लोट मार रही है, भंडारों में दिखेंगे, मंदिरों के प्रोग्राम में दिखेंगे, या अपनी कोठी पे दिखेंगे, संडे को लगा दिया जनसेवक अदालत, तो लोग दोनों ही पार्टियों के उठ चुके हैं। और आज जो निर्दलियों की भूमिका बन रही है, वो बहुत बड़े लेवल पे बन रही है। अब कई भाई कहेंगे कि निर्दलीय भाई कपिल फौजी तू क्यों नहीं लड़ लेता? भाई मैं इसलिए नहीं लड़ सकता क्योंकि मैंने 5 साल मेहनत ही नहीं करी, कोई मेरा चेहरा ही नहीं जानता पाएगा विधानसभा में, गांव में कहीं मेरे खंभे के ऊपर मेरे को पोस्टर लागे नहीं पाऊंगे, कितने भी कोई चौपाल के ऊपर मेरा कोई बैनर नहीं लाग गया पाऊंगा। मैं बात कर रहा हूं कि जिन्होंने 5 या 10 साल से मेहनत कर रखी है, जिनका चेहरा पूरा विधानसभा क्षेत्र जानता है, जो हर एक प्रोग्राम में कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, उनके घर जा रहे हैं, दुख सुख में जा रहे हैं, उनकी भूमिका बहुत बड़े लेवल पे बन रही है आज के दिन हरियाणा विधानसभा में निर्दलियों की। अगर निर्दलीय आज और इस समय से भी चुनाव लड़ने लग जाए ना,
तो दोनों पार्टियों को धूल चटाऊंगे। हो सकता है कि निर्दलीय ही सरकार बना ले जाए, निर्दलीय भी सरकार बना सकते हैं, संविधान कहता है ये। अगर निर्दलीय आज से ही मैं नित शुरू कर दे कि भाई मैं लड़ू ही लड़ूंगा चुनाव, तो वास्तव में निर्दलीयों की भूमिका हरियाणा विधानसभा में बहुत बड़े लेवल पे होनी, क्योंकि दोनों पार्टियों के नेताओं को लोग नहीं चाहते, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी। और खासकर मैं रोहतक झज्जर सोनीपत के जो लोगों की आंखें खुल रही है ना कि पिछले 20-25 साल से कोई दूसरा नेता नहीं उभरने दिया, सिर्फ एक व्यक्ति ने, किसी दूसरे को नेता नहीं बनने दिया। यहां तक आप देखोगे लोकसभा सीटों का जो बंटवारा हुआ है, चाहे उसमें सोनीपत की बात हो, चाहे रोहतक की बात हो, चाहे भिवाणी की बात हो, चाहे भाई गुड़गांव की बात हो, चाहे आप दूसरी सीटों की बात कर लो, चाहे करनाल की बात कर लो, करनाल की तो कत्ती बिल्कुल ही दी गई सीट है, करनाल की सीट तो दी गई है। अगर कांग्रेस पार्टी वहां उस सीट को, मैं नाम लूंगा फिर, अगर रोड को भी दे देती ना, वीरेंद्र सिंह रोड को भी दे देती तो पानी पी जाता पूर्व मुख्यमंत्री करनाल सीट पे, वो दी गई है कांग्रेस की तरफ से, और ये कांग्रेस के आलाकमान को भी मालूम है। इसलिए निर्दलीय खुल के अपना चुनाव लड़ो, और इन पत्रकारों के मुंह में मत आना, ये अभी रैलियां भी निकाल लेंगे, रथ यात्रा भी निकाल लेंगे, क्योंकि बीजेपी किसी भी लिहाज से कमजोर नहीं है हरियाणा, किसी भी लिहाज से। कोई चारों पासे देख लेना, ये जो पत्रकार बैठते हैं ये कमरे में, एक आदमी इधर बैठ जाता है, वो दूसरा इधर बैठ जाता है, फिर अखबार में लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, इनकी चीज पे मत चलना, लोग अलग चीज हैं। तो निर्दलीयों की बहुत बड़ी भूमिका है आज के दिन, और कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो भी विधायक इनके 90 के 90, इनसे जनता उब चुकी है, जनता इनको बिल्कुल स्वीकार नहीं करी, इन विधायकों को बिल्कुल भी। और इनका बीजेपी बड़े लेवल पे जो पुराने विधायक हैं उनको बदली कर रही है, नए चेहरों को लेकर आ रही है बीजेपी। बीजेपी इसलिए एक पॉइंट आगे चल रही है अभी फिलहाल, पर कांग्रेस में कोई भी नेता जो 80 साल का है वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं, वो कह रहा है एक मौका और मैं सेवा करूंगा हरियाणा की। क्यों करेगा भाई सेवा, दूसरे नौजवान को आ जाने दे, वो तेरे से ज्यादा चल सकता है, तेरे से ज्यादा ऊर्जा है, तेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है, फोन को चला लेता है, वो सारी चीजें हैं, तेरे फोन भी ना चल रहा है, क्योंकि एक आदमी चाहिए कान का फोन लगाने वाला। तो ये है कांग्रेस के हालात हरियाणा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भाई, जय हरियाणा।